नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी के सामने लेकर आया हूँ फिर से एक नई खबर, जिसमें बताया गया है कि मेट्रो में सफर करने के दौरान लाखों लोगों ने की ये तीन गलतियाँ। तो आइए देखते हैं क्या है वो गलतियाँ। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से ये पहली बार है कि मेट्रो को पूरी क्षमता से सोमवार को चलाया जाएगा। इस दौरान यात्रियों को ये तीन गलती भारी पड़ने वाली है। पहला, मास्क ना लगाना, दूसरा, शारीरिक दूरी ना बनाना, और तीसरी कि मेट्रो में खड़े होकर यात्रा करना। अगर ऐसा करता कोई मिला गया तो उसको मेट्रो से बाहर निकाल दिया जाएगा। अनुमान है कि 25 जुलाई तक मेट्रो में प्रतिदिन औसत 8 लाख यात्रियों ने सफ़र किया। सोमवार रात को 9 बजे के करीब 8 लाख यात्रियों ने सफ़र किया मेट्रो में खड़े होकर। सफ़र करने पर फ्लाइंग की टीम ने 432 यात्रियों को ट्रेन से उतारा। वहीं 660 यात्रियों पर 200-200 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। DMRC ने कहा कि कोरोना से बचाव होने के लिए पालन करना ज़रूरी है, इसी वजह से करीब 470 यात्रियों की काउंसलिंग रोज़ की जाती है। और ये 470 लोग वो हैं जो कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते और खड़े होकर ट्रैवल करते हैं या मास्क नहीं लगाते हैं। इसके एक दिन पहले यानी सोमवार को मेट्रो की व्यवस्था धरी की धरी रह गई, जिस दिन लोगों ने आधे आधे एक एक घंटे तक इंतज़ार करा। मेट्रो स्टेशन के बाहर से लेकर मेट्रो के अंदर तक भीड़ ही भीड़ दिखी गई, जिसमें लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा। सोशल डिस्टेंसिंग तो ख़त्म ही मानो, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया, ना डिस्टेंस बनाया। तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण कैसे कम होगा? DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल निगम, इनका कहना है कि परिचालन नए निर्देशों से अवगत नहीं थे, इसलिए यात्रियों ने खड़े होकर सफ़र किया। DMRC का कहना है कि नए निर्देशों के हिसाब से एक सीट छोड़कर बैठना अब ख़त्म कर दिया गया है। अब लोग एक साथ बैठ सकते हैं पर खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते, पर फिर भी 20% क्षमता के साथ ही मेट्रो का परिचालन होगा, क्योंकि मेट्रो में अभी भी खड़े होकर सफ़र करना मना है। मेट्रो में एक कोच में करीब 300 यात्री सफ़र करने की क्षमता है। DMRC ने यात्रियों से खड़े होकर सफ़र ना करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि फ्लाइंग टीम जांच करते रहेगी, अगर कोई भी खड़ा हुआ और सफ़र करता मिला तो उस पर जुर्माना लगेगा। यात्रियों को जागरूक भी किया जा रहा है, पर एक दिन पहले ही मेट्रो में एक सीट छोड़कर बैठने का ही प्रावधान था। उसके लिए सभी सीटों पर स्टिकर भी चिपकाए गए हैं। स्टिकर लगाए हुए सीटों पर ना बैठने का निर्देश लिखा है, पर अब जैसे नियम चेंज हुए हैं और सीटों पर बैठ सकते हैं, पर ये स्टिकर अभी तक नहीं हटाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ दिन पहले ही ये भी देखा गया कि एक ट्रेन में लोगों ने एक सीट छोड़कर एक बैठे हुए थे, तो फ्लाइंग टीम ने जाकर उनसे अनुरोध किया कि वो बैठ जाए, खड़े होकर सफ़र ना करें, और DMRC ने कहा कि वो सारे स्टिकर हटा देंगे। मेट्रो में भीड़ कम करने के लिए ज़्यादातर स्टेशन पर सिर्फ एक ही गेट खोला जा रहा है। कुछ इंटरचेंज स्टेशन पर के अलावा 16 स्टेशन पर दो दो गेट खुले हैं। दिल्ली के मेट्रो में 153 स्टेशन पर सिर्फ 270 गेट ही खुले हैं, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। यात्रियों को लंबी लंबी लाइनों में लगाया जाता है। यात्रियों ने इंटरनेट मीडिया पर फोटो पोस्ट करने के लिए एक एक किलोमीटर की लंबी लाइन लगाने और दरवाजे ना खोलने की शिकायत की। यात्रियों ने स्टेशन पर अतिरिक्त गेट खोलने व मेट्रो स्टेशन में दूरी बनाए रखने के लिए भी प्रावधान किया। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।